तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। तो आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि जो स्नेक होता है वो स्नेक को रेस्क्यू कैसे करें और किस चीज़ से करें, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने उसके लिए कुछ एक डिवाइस लाया है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने आपके लिए एक डिवाइस लाया, मतलब शार्प पिक्स नाम है उसका। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसा होता है। मैंने ये चीज अमेज़न से परचेस की थी और मैंने इसको अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों जगहों पर देखा, अमेज़न से परचेस किए मैंने इसको। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये कुछ ऐसा आता है, इसका आगे का लुक अगर देखेंगे आप, जो अपने हैंड हाथ में रहता है उसका लुक कुछ ऐसा होता है। इसको इसके अंदर स्प्रिंग होती है दोस्तों, ये होता है ऐसा, मतलब वर्क ऐसा करता है। ये अपने हाथ में रहता है और ये आगे की साइड है जिसके अंदर स्नेक जाता है। आप अगर इसकी पकड़ देखोगे ना दोस्तों, तो रुकिए मैं इसको लॉक कर देता हूँ। मैंने लॉक कर दिया दोस्तों। अब इसकी आगे का ये जो देखेंगे ना, ये इतना बड़ा कुछ आपको मिल जाता है। इसको आप ऐसा प्रेस कर सकते हो। अगर आपने प्रेस कर दिया तो यहाँ पर समझो आपने कोबरा पकड़ा है और आप इसे पकड़ पकड़ कर थक चुके हो। हाँ, तो यहाँ पर एक लॉक होता है, खिड़की होती है, आप इसको लॉक भी कर सकते हो। मतलब कि यानी कि ये जो खिड़की है दोस्तों, इसको आपको सिंपली इसके अंदर यहाँ लॉक कर देना है। मैं करके बताता हूँ, इसको यहाँ पर लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप अपना हाथ हटा दो, ये लॉक हो चुकी है। और आगे से देखो दोस्तों, ये कुछ ऐसा हो चुका है। अगर आपको उसको रिलीज़ करना है तो आपको सिंपली इसको प्रेस करना है और वो जो लॉक होता है दोस्तों, वो अपने आप हट जाता है। मतलब प्रेस किया ज़्यादा से तो हट जाता है। अभी ये खुल चुका है दोस्तों। तो अगली बात आती है इसकी साइज़ की। इसकी साइज़ कितनी है, आपको लग रहा होगा कि इसकी साइज़ इतनी है, यानी तीन चार फुट की लग रही होंगी आपको, तीन फुट की होंगी ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी हाइट 5 फुट है दोस्तों। देखो मैं इतना ऊपर ले आया तो इतना बड़ा होता है भाई। इसको अगर मैं नीचे रखूँ ना तो ये मेरी हाइट कितना है, मुझसे थोड़ा नॉर्मल छोटा है शायद, नहीं मेरे इतना ही है। तो इसके अंदर 3 लॉक होते हैं, यानी आपको अगर इतना बड़ा चाहिए दोस्तों तो आप इतना बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ से इतने दूर से भी पकड़ सकते हो स्नेक। और आपको अगर छोटी साइज का चाहिए, छोटी साइज के लिए आपको सिंपली ये जो बटन होता है, जो इसको आपको प्रेस करना है और इसको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये जो सर्कल है दोस्तों, ये सर्कल के अंदर लॉक हो जाता है। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। ये मैंने इसको लॉक कर दिया दोस्तों। अभी लॉक करने के बाद आपको आप इतनी साइज में भी पकड़ सकते हो। अगर आपको इससे भी छोटा चाहिए तो यहाँ पर और एक सर्कल होता है दोस्तों, आप इसको वापस से प्रेस करके ऐसा कर सकते हो। अभी मैंने इसे ले आया और इसे लॉक कर दिया दोस्तों। अभी बात आती है इसकी मजबूती की, कि इसकी मजबूती कितनी है दोस्तों। तो इसकी अगर मैंने इसके अंदर एक हाथ भी डाल दिया तो इसको मैं यहाँ पर प्रेस किया ना, तो इसको मैं कितना भी कोशिश कर लो निकालने की, ये हाथ निकल नहीं सकता है। आगे से भी नहीं निकलता है, किधर से ही नहीं, ये निकल ही नहीं सकता है। तो बात आती है अगर हमारा हाथ इसमें से नहीं निकलता है दोस्तों, तो जो स्नेक होता है उसका जो ये होता है, मतलब सिर जो होता है, वो कैसे निकलेगा, तो वो नहीं निकलता है। तो आपको अगर ये खरीदना है दोस्तों, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेजोन पे भी मिलेगा, फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगा, मेशो का पता नहीं दोस्तों। तो ये अमेजोन पर 2700 रुपये का है, 2700 रुपीज़ का है दोस्तों, और फ्लिपकार्ट पर भी उतना ही है। ये बहुत अमेजिंग है दोस्तों। इसको अगर आप ले लोगे तो आपको, अगर आप मेरी लिंक से कभी इसको लेंगे तो आपको मतलब
10% कमीशन मिलेगा, 1000 रुपये की चीज लेंगे तो 900 में गिरेंगे दोस्तों, अगर आप मेरी लिंक से लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।